गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वावधान में धर्म आध्यात्म संस्कृति और यह समय विषय पर एक निजी होटल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजा बुंदेला ने कहा कि आज के समय में यूट्यूब और गूगल पर ही सब लोग ज्ञान ले लेते हैं तथा अपने आप को किसी से तुलना किए बगैर खुद को समझें तथा कोई कार्य नहीं होने पर अपने आप को दोष देते हैं। उन्होंने कहा, हमारा आध्यात्म तभी जागेगा जब हम समाज के लिए कुछ करेंगे तथा हम लोग पूरी जिंदगी दूसरों के ऊपर दोष लगाते रहते हैं। उन्होंने कहा, जब हम समाज के लिए कुछ करेंगे तभी आपका आध्यात्म जागेगा, तभी लोग आपके विचारों के बारे में जानेंगे और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे तथा ज़रूरत है कि फिर से समाज से जुड़ने की, जो यह कहती है कि पहले अपने आप को देखो कि आप क्या हैं। उन्होंने कहा, आज की संस्कृति में कल से और आज में बहुत अंतर है। इस अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, संजय कुमार, अंगद सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने कहा, हैप्पी बर्थडे किया जा रहा है बीच में लाइट इसी तरह में धर्मेंद्र और रविशंकर त्रिपाठी जी है, भैया सुदीप भैया का मालपण आप इधर है, संजय भैया मंथन कार्यक्रम के तहत जो आज की संगोष्ठी है उसमें उपस्थित लखनऊ से चलते आए, यूं कहे दिल्ली से चलते आए हमारे मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड, हम लोगों के बड़े भाई अध्यक्षता कर रहे दैनिक जागरण के पूर्व संपादक श्री सुजीत पांडे जी, हम लोगों के बड़े भाई विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार श्री राघवेंद्र दुबे भाऊ जी, दैनिक जागरण के में ही कार्य कर चुके वरिष्ठ पत्रकार राकेश सारस्वत जी, हिंदुस्तान टाइम्स में कार्य कर चुके वरिष्ठ पत्रकार श्री काजी अब्दुल रहमान जी, हमारे सामने बैठे पूर्व उपाध्यक्ष धर्मेंद्र नारायण दुबे जी, विश्वामित्र भट्ट जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, सहारा के अधिकारी श्री शैलेंद्र किशोर जी, विषय के इंद्रित ही मेरी बोलने की आदत भी है और मैं विषय पे ही बोलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं भूमिका में सुधीर पांडे जी हैं, हमारे सीनियर रहे हैं, हमारे संपादक रहे हैं, ये जानते होंगे कि कोई खबर लिखने के पहले हम लोग उस खबर का एक कर्टन रेजर लिखते थे जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं पूर्व पीठी का कर्टन रेजर, तो आप कर्टन रेजर ही समझ लीजिए, आप पूर्व पीठी का समझ लीजिए कि मैं विषय पत्र वक्तव्य के पहले एक पूर्व पीठी का छोटी में और बहुत संक्षिप्त व्यक्त करना चाहता हूं। पहली बात तो बताओ कि जो मुझे रोमांचित कर रहा है ये क्या संयोग है और शायद अद्भुत संयोग है कि कोई पूर्व की जान पहचान नहीं,
कुछ नहीं। राजा बुंदेला जी मंचासीन हुए, पता नहीं कौन सा रेडिएशन मेरे में था या इनका कौन सा रेडिएशन उस तक आया। दोनों के रेडिएशन किस तरह मिले होंगे मैं ये नहीं जानता। ये मेरी पहली मुलाकात है राजा बुंदेला जी से। मैं ये कहना चाहता हूं कि अकस्मात इन्होंने मेरी ओर देखा, पता नहीं क्या सोचा, इन्होंने एक माला उठाई मेरे गले में डाल दी। मैं बताऊं थोड़ा सा इतिहास। ब्राह्मणों में 200 शाखाएं हैं, कुल मिलाकर पंचगौर और पंचद्रवण, ये मूल विभाजन है ब्राह्मणों में। पंचगौर और पंचद्रवण के बाद कालिकुश और उससे तमाम शाखाएं शाखाएं निकलती है। हम लोग मालवा के हैं, कभी हमारे पूर्वज आके देवरिया में बस गए होंगे, 200-250 साल पहले, मैं नहीं जानता। मालवी ब्राह्मण और दीसर भाषा में उन्हें जुहौतिया कहा जाता है, जो संस्कृत के यौधेय का अपभ्रंश है और यौधेय भी अपभ्रंश है युयुत्स का। गीता में श्लोक है, समवेता युयुत्सव मामका पांडवा से, युयुत्सव माने कौन है भाई, युयुत्सव का मतलब होता है, अरे भाई युयुत्सव का मतलब होता है युद्ध के लिए उत्सव। हम मूलतः शस्त्रजीवी ब्राह्मण हैं और युद्ध उत्सुक ब्राह्मण हैं। हम भी इसी प्रजाति के हैं, इस दरिया को भी पार करेंगे, कोशिश करेंगे। माननीय दुबे जी और वाजपेयी जी को सुनने को मिला, मुझे नहीं लगता कि आज के समाज में, आज की व्यवस्था में कोई ऐसी चीज अछूती है जो आपको अब प्रवचनों के माध्यम से सुनना चाहिए या किसी के ज्ञान ध्यान से सुनना चाहिए। विकिपीडिया ने, यूट्यूब ने और गूगल ने इतना ज्ञान बांट दिया है कि लोग उसी से अपना ज्ञानाचार लेते रहे हैं। मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है नहीं जो आपसे मैं आपसे आपको एड्रेस कर सकूं, आपको सुना सकूं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर है, जो मैंने जिया है और उसी को मैं रिलेट करूंगा इसमें, अध्यात्म में, धर्म में, संस्कृति में और समय में। मैं इसके बिल्कुल उलट जाऊंगा अब, क्योंकि वो सारी ज्ञान गंगा और वो सारी बातें आपको भी नहीं लगेंगी कि अच्छी है, लेकिन मैं आज के समकालीन, आज की परिस्थितियों में क्या हम कहां कैसे खो रहे हैं और हमने कहां, जैसा कि आप, हमने जिन दो विद्वानों को सुना, उन्होंने जो कहा उनके उस स्वरूप को और आज के रूप को अगर हम देखें तो हम कितना कहां होते जा रहे हैं। अध्यात्म जैसा कहा गया कि सेल्फ स्टडी, आप खुद को, अपने को किसी से आइडेंटिफाई करें बगैर अपने आप को समझने की कोशिश करें। हम ऐसा कर ही नहीं रहे, हम बल्कि हम दूसरी विपरीत परिस्थितियों में चले जाते हैं, या तो हम कहते हैं अरे भैया हमारी किस्मत ही खराब है, अरे भैया भगवान हमारी मदद ही नहीं कर रहा है, अरे सरकार ही खराब है, हमारे माँ बाप खराब है। हमने कभी ये नहीं जाना और कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हम समाज के प्रति कितने जागरूक हैं। हमारा अध्यात्म तभी जागेगा जब हम खुद के लिए भी तो जागें, हम खुद के लिए भी तो सोचें कि हमने समाज के लिए क्या किया है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को दोषारोपण करते रहे, हम पूरी जिंदगी अपने अगर नाकामी हुई है तो उसके लिए पूरा का पूरा व्यवस्था ही आपके लिए दोषी है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अध्यात्म की पहली सीढ़ी, आपके विकास की पहली सीढ़ी ये होती है कि आप इसको समझने की कोशिश तो करें कि आप कहां समाज के साथ जुड़े, आज इस व्यवस्था में आप क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और तभी वो अध्यात्म आपको जगाएगा जब आपका कंट्रीब्यूशन समाज को दिखाई देगा,
सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ स्टडी ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी और वहीं आपको अपने दोष और गुण एक साथ दिखाई देगी। लेकिन हो क्या रहा है कि हम अपने गुणों को ना जानने के बजाय हम अपने दूसरे के अवगुणों को अपने ऊपर थोप कर अपनी नाकामी का सिला उसके साथ जोड़ देते हैं। जरूरत है हमें एक बार फिर से उस समाज की स्थापना करने की, एक बार जरूरत है हमें फिर से उस व्यवस्था में जुड़ने की जो ये कहती है कि पहले अपने आप को देखो। लोग हमारे यहाँ कहावत है कि दूसरे के सामने अगर आप एक उंगली करते हो तो चार उंगली आपको दिखा रही है, आपको इशारा कर रही है कि आप क्या है। मैं उसको अध्यात्म मानूंगा कि लोग अगर अपने आप को समाज की व्यवस्था के साथ जोड़कर अपना स्टडी करें। मैं बहुत बार बुंदेलखंड की बात कहता था, बॉम्बे में रहता था, बार बार इसलिए मैं खुद करूंगा कि जो कुछ है मेरे पास ज्ञान और जो अनुभव वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बुंदेलखंड राज्य की बात करता था, बहुत लोगों को भाषण देके बॉम्बे भाग जाता था। फिर एक दिन मैंने खुद सेल्फ स्टडी की, उस जिसको आप अध्यात्म की बात करते हो, जिसमें एकांत में बैठ के अपने आप को जानने की आप बात करते हो, तब मुझे लगा कि ये तो बेमानी है। मैं दो नावों पे सवार हूं, बॉम्बे में जाके मैं अभिनय करके एक्टिंग की वो ऐशो आराम की जिंदगी वैनिटी वैन में बैठकर मैं मकब लगा के चार डायलॉग बोल के अपना कमा रहा हूं और यहां आके मैं गरीब जनता की दर्द को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आप यकीन जानिए उस समय सिनेमा छोड़ा जब मैं पौड़े 50,000 रुपए करीब कमा रहा था। हमने करने ही करना है, अगर मुझे समाज के साथ जुड़ना है और व्यवस्था को अपना बदलने की बात करनी है तो सबसे पहले ये आचरण मुझे अपने आप पर लागू करना चाहिए। और पूरा का पूरा जो सिनेमा मेरे पास बचा है, जो थिएटर जो टेलीविजन बचा है, मैं उस सब को बुंदेलखंड ले आया। मैं बॉम्बे में दुकान भी बंद नहीं की लेकिन उस सिस्टम को मैंने अपने साथ खड़ा किया। मैंने कहा ये व्यवस्था यही होगी, बुंदेलखंड में फिल्में बनेंगी, बुंदेलखंड में फेस्टिवल होंगे, बुंदेलखंड में थिएटर होगा और इसकी शुरुआत हम करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं, जैसे आजकल आप संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति का भी तो देखिए कैसा वो हुआ है। वाजपेयी जी ने कितना दो आपके त्रेता द्वापर कलयुग और उसके पहले सतयुग की बात कही थी। आज की संस्कृति का भी देखिए क्या हाल है। छत्रसाल पर फिल्म बनी, माननीय बंसाली साहब ने बनाई और छत्रसाल का जो पोर्ट्रे किया बाजीराव मस्तानी, मैंने उनको कहा कि हमारे कभी भी इतिहास में, अब बुंदेला का तो छोड़ दो, कभी भी कोई महिला दुभाषीय बनके या पत्र लेकर बनके किसी कोर्ट में नहीं गई है। इससे बड़ा अपमान कभी हो ही नहीं सकता था, महिलाओं का सम्मान इतना होता था। उनकी फिल्म में दीपिका पादुकोण वहां जाती हैं बाजीराव के पास और वो कहती हैं कि मैं छत्रसाल की बेटी हूं और आपको ये संदेश देने आई हूं कि उनको बहुत मुसीबत है और इस मुसीबत से आप निकालें। कोई खड़ा ही नहीं हुआ। एक औरत पांच ब्याह कर रही, एक मर्द मर गया, कब मुखौटा बदल के फट से आ गया और घर घर प्रतिनिधि। अगले क्रम में राघवेंद्र जी को हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित करते हुए और सरकारी के कई सदस्य एक तो आप लोग सब पत्रकार बंधु और खासकर ये मार्केट भाई की संस्था बधाई के पात्र है कि ऐसे समय में जब इस पूरे के पूरे धर्म संस्कृति और सभ्यता पर बहुत बड़ा निशान उठ रहा है सवालिया,
ऐसे समय में इस विचार का और इस तरह की गोष्ठी का, इस तरह के मंथन करने का जो सोच आई है, अद्भुत है। और मैं धन्यवाद देता हूँ। जनरली लोग आज के विषय कुछ और ही चुनते हैं, राजनीति से जुड़े होते हैं या किसी और से, लेकिन ये पूरे की पूरी व्यवस्था को, पूरे के पूरे समाज, पूरे के धर्म और संस्कृति को लेकर ये विषय चुने गए हैं, अद्भुत है। और ऐसी गोरखपुर नगरी से ऐसे ही विचार की उम्मीद थी और ये क्रम होते रहना चाहिए। आज देश के सामने एक बड़ा सवाल है, धर्म तितर बितर हो रहा है, संस्कृति प्रायः नष्ट होने के कगार पर है, लोग अपने किस्म की संस्कृति को गढ़ रहे हैं, मढ़ रहे हैं, और उसमें अध्यात्म के नाम पर तो कोई बात करता ही नहीं, कोई सोचता नहीं है, और समय ना तो अब साथ था ना अब साथ है। तो हम आप सब लोगों के बीच में यही कह सकते हैं कि ये समय है खड़े होने का। जहाँ कुछ गलत हो रहा है तो विद्रोह मत करिए, कम से कम अपना आवाज़ तो दर्ज करिए, विरोध तो करिए, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए। लोग हमारी संस्कृति और इतिहास गवाह है कि गलत को गलत कहने में चूके नहीं, भले ही चाहे फांसी पर चढ़ गए। तो ये अद्भुत आयोजन है और मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उनको ने ऐसी संस्थाओं को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान है।